सरकारी तैयारी प्लस में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस में निकली आपकी वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, नोटिफिकेशन की सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। डेली ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी तैयारी प्लस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात करते हैं आपकी छत्तीसगढ़ पुलिस में निकली वैकेंसी के बारे में। इसके हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, जहाँ पर मैं आप लोगों डिटेल और जानकारी दोनों दे सकूं। तो फ्रेंड, यहां पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़, विज्ञापन यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, यह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। 20/10/2023 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख यहां पे आपको 20/10 दे रखी है, 10 बजे से, और अंतिम समय 30/11/2023 है, ठीक है। यहाँ पे परीक्षा शुल्क की बात करें, आपका सामान्य वर्ग से और अन्य पिछड़ा वर्ग से 200, अनुसूचित जातियों के लिए 125, रिक्त पदों की वैकेंसी के यहाँ पे आपको चार्ट दे रखा है। जिला और या इकाई रायपुर आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं भाटापारा आपका, धमतरी आपका, गरियाचंद बंद, ठीक है। पदों का विवरण जिसमें आरक्षक, GD चालक, ट्रेड टेलर, GD चालक, GD, ठीक है, ट्रेड आपका धोबी, इन सब की वैकेंसी है, ठीक है। रिक्त पदों की संख्या यहाँ पे दे सकते हैं। UR कैटेगरी में आपका यहाँ पे SC ST हैं, उनकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अपनी वैकेंसी को यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जिसमें आपका देख सकते हैं ट्रेड कुक की, वाटर कैरियर की, आपका ट्रेड मेंशन की, टेलर की वैकेंसियाँ हैं। ये सब पोस्ट हैं जिसकी आपकी निकली हुई हैं आपकी जिले के अनुसार। तो यहाँ पे जिस जिले के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, तो आपको 3 पेज पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको देख लीजिएगा, 4th पेज पे भी है इसकी डिटेल, ठीक। तो मैं आपको दिखा देता हूँ 5वें पर। अब हम बात करते हैं देखिए अन्य चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैकेंसी की पूरी डिटेल पता चल जाएगी। आरक्षण के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा 10% जो समस्तरीय श्रेणी वर आरक्षण का प्रावधान है भूतपूर्व सैनिकों के लिए, लाभ संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 25/2015 के प्रावधान लागू किया जाएगा। वेतन यहाँ पे आप देख सकते हैं पे लेवल 4 19,000 का प्रतिमाह रहेगा। अभ्यर्थी की आयु की बात करें यहाँ पे 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ा वर्ग की यहाँ पे उच्च स्तरीय आपको जो है 5 साल का छूट दी जाएगी, ठीक है। बाकी आप डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं उसके बारे में, यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ पर पढ़ लीजिए। शैक्षिक योग्यता की बात करें यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं आयु की सीमा है, जो छूट है छत्तीसगढ़ के राज्य के आपको ही के लोगों को मिलेगी। 10+2 की आओ शैक्षिक योग्यता में, 10वीं कक्षा हायर सेकेंडरी आपको समकक्ष छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश राज्य स्थित विद्यालय या महाविद्यालय से आपने उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उम्मीदवार 8वीं कक्षा का उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित परिवार के राहत शिविरों के आपके परिवार से संबंधित सभी श्रेणी अभ्यर्थियों को कक्षा 5 के उत्तीर्ण होना भी पात्र है, ठीक है। आरक्षक की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आपका हेतु आपका आरक्षक चालक पद हेतु भारी वाहन चालन का लाइसेंस होना अनिवार्य है, ठीक है। आरक्षक ट्रेड हेतु संबंधित ट्रेड की निरक्षता होना आवश्यक है। यहाँ पे आपकी वैकेंसी की बात करें, जिसमें आपकी शारीरिक योग्यता की, शारीरिक अर्हता की, सामान्य जाति अनुसूचित जातियों पिछड़ा वर्ग के लिए ऊंचाई 168, सीना यहाँ पे 81 और फुलाकर आपका 86, ठीक है। ऊंच यहाँ पर महिलाओं के लिए 158 दे रखा है, अनुसूचित जातियों के 158, पुरुषों में 76 आपका सीना और 81 फुलाकर आप महिलाओं के लिए 158, बस्तर और सरगुजा जो जिलों के लिए 183, 76, 81 और 153 दे रखा है। सीना आपको फुलाने बिना फुलाने कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए महिलाओं के लिए, इससे छूट है। अभ्यर्थियों शारीरिक रूप से दिव्यांग और नॉक नी फुट फ्लैट फुट वाले नहीं होंगे, ठीक है, नहीं होने चाहिए, ठीक। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे आपको दिन के बारे में दे, चयन प्रक्रिया की बात करें, चयन प्रक्रिया के चरणों में संबोधित की जाएगी। आरक्षक GD के अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज की जाँच की जाएगी, शारीरिक नाप जोक, शारीरिक दक्षता की परीक्षा की जाएगी, जिसमें लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर की दौड़, 800 मीटर की दौड़, 100 अंक की लिखित परीक्षा जिसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंकगणित के 100 अंक रहेंगे। आरक्षक चालक एवं आरक्षक ट्रेड की दस्तावेज की जाँच की जाएगी, शारीरिक नाप जोक, शारीरिक दक्षता
1500 मीटर की महिलाओं की अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर होगी और लिखित परीक्षाओं में 100 अंक, साथ साथ ट्रेड टेस्ट में 25 अंक होंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में प्रवीणता या NCCC का आपका प्रमाण पत्र धारी NCC की राष्ट्रीय सेवक का प्रमाण पत्र के 5-5 अंक दिए जाएंगे, अधिकतम 10 अंक बोनस के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है, बोनस संबंधी प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि अभ्यर्थी को आवश्यक रूप से धारित होनी चाहिए। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पहले विज्ञापन की दिशा निर्देश को अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पे आपके समस्त आपकी जो अर्हता प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, यह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। 7 पेज का नोटिफिकेशन था जो कि मैंने आप लोगों को डिटेल और जानकारी दी। ठीक, आई होप जानकारी और वीडियो दोनों अच्छे लगे हों। ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।